भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच लंदन के ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां आज भारतीय टीम दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करने उतर चुकी है। लेकिन दोनों टीम्स के बीच पहला दिन एक समान रहा। मैच की शुरुआत में कप्तान जो रूट ने विराट कोहली से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, जिसके बाद एक बार फिर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी सस्ते में निपट गई। रोहित शर्मा क्रिस वोक्स की गेंद पर कैच आउट हो गए, जबकि केएल राहुल ओली रॉबिन्सन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में शानदार बल्लेबाजी कर 91 रन बनाए थे, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अर्धशतक तो बना लिया, लेकिन वो एक बार फिर शतक लगाने से चूक गए और 50 रन पर ही आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के स्थान पर रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और अजिंक्य रहाणे को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। टीम के इस फैसले पर सब हैरान रह गए, जिसका खुलासा शार्दुल ठाकुर ने आखिरी सेशन के खत्म होने के बाद किया। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि हमारी टीम के पास दो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे से कम नहीं हैं, दोनों ही खिलाड़ी मैच विनर हैं और उनकी क्षमताओं को हम सबने देखा है और हमें मालूम भी है। शार्दुल ठाकुर ने आगे कहा कि सभी इस चीज़ को लंबे समय से सोच रहे थे कि ऋषभ पंत को ऊपर भेजा जाए या रविंद्र जडेजा को। इसके ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मैच विनर हैं। हमने कई मौकों पर देखा है जब रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम मुश्किल में खड़ी है तब जाकर रन बनाए हैं, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा मात्र 10 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रहाणे 14 रन और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होते ही भारत के बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप हो गए और टीम का स्कोर उस समय 27 रन था। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर भारतीय टीम की अपनी बल्लेबाजी के दम पर लाज बचाई और इंग्लैंड के सामने 191 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान के हर एक कोने में शॉट लगा और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। अपने इस अर्धशतक के साथ शार्दुल ठाकुर ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है। दरअसल शार्दुल इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शार्दुल ने अपनी पारी में कुल 36 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के की मदद से 57 रनों की तूफानी पारी खेली। साथ ही पहले दिन के खेल के दौरान एक दृश्य ऐसा भी सामने आया जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। दरअसल इंग्लैंड के 39 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले दिन गेंदबाजी करते हुए गिर गए थे और फिर उनके घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गेंदबाजी जारी रखी। एंडरसन की खून से लथपथ यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 39 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की खेल के प्रति ऐसे लगन को देखकर सबने जेम्स एंडरसन की तारीफ करी। साथ ही दिन का आखिरी सेशन भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने आई तो चौथे ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी को चलता कर दिया, जिसमें रोरी बंस 5 रन और हशीब हमीद 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उमेश यादव ने जो रूट को 21 रन पर ही आउट कर दिया, जो कि इस टेस्ट मैच में बेहद कम ही देखने को मिला। अब देखना होगा जो रूट के बिना इंग्लैंड भारतीय टीम से कितने रन की बढ़त बनाने में कामयाब हो पाती है। स्पोर्ट्स दरबार में आज के लिए बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।